हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एजर्स डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। ये एक अमेरिकन एजुकेटर थे जिन्होंने एक लर्निंग कॉन दिया था, या कहें तो लर्निंग मॉडल दिया था, जिसे लर्निंग पिरामिड भी कहते हैं। इन्होंने पिरामिड के जरिए बताया था कि किस तरह से लर्निंग हो, कि रिटेंशन पावर कब कब बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, कौन सी एक्टिविटी करने से रिटेंशन पावर सबसे ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो ये है एजर्स डेल और ये इन्होंने लर्निंग मॉडल दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं। ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट स्टिल किसी ने रिक्वेस्ट करी थी तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। पर इसको आप मल्टी सेंसरी टीचिंग में, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में है, आप इसको लिख सकते हैं। उसमें बहुत छोटा टॉपिक होगा और बहुत सिंपल है। कई लोग क्या करेंगे, इसी का स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएंगे, तो ऐसा मत करना। आगे इसके बारे में थोड़ी थ्योरी है, स्क्रीनशॉट लेना हो आपको तो अगली स्लाइड पे ले लेना। चलिए देखते हैं कौन थे एजर्स डेल और इनका कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। तो एजर्स डेल क्या थे, एक अमेरिकन एजुकेटर थे जिनका जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1900 में बेंसन, मिनेसोटा, जो कि अमेरिका में है। और इनकी डेथ हुई थी 8 मार्च 1985 में कोलम्बस में, ओहायो में। ठीक है, इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसे कहते हैं लर्निंग पिरामिड या कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड लर्निंग प्रोसेस से बहुत रिसर्च करी थी अपने पूरे कार्यकाल में, या जो भी इनके वर्किंग ईयर्स थे। 1960s में इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी रिटेंशन को लेके, कि कौन सी एक्टिविटी करने से रिटेंशन पावर सबसे ज्यादा हो सकती है। इन्होंने कहा कि जब कोई एक्टिविटी की जाती है ना एक्सपीरियंशियल मोड पे, मतलब एक्टिविटी रियली में करी जाती है जिसमें सभी सेंसेस इन्वॉल्व हो, इसमें रीडिंग इन्वॉल्व हो, हियरिंग इन्वॉल्व हो, ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व हो, तो रिटेंशन क्या है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जो इनका कॉन ऑफ एक्सपीरियंस था, ये इन्होंने अपनी बुक में, जिसका नाम था ऑडियो विजुअल मेथड्स, वो आई थी 1946 में, उसके इसमें उन्होंने बताया था लर्निंग कॉन के बारे में, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में। देन इसकी सेकंड प्रिंट आई 1954 में, और जो फाइनल पिरामिड है जो हम देखते हैं वो आया था 1969 में। और इसी लर्निंग को कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग या एक्शन लर्निंग। ठीक है, जो एक्सपीरियंस लर्निंग की बात कही जाती है, जो एनसीएस में भी है, जो आरटी में भी है, कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग करवाओ। और वो टर्म कहाँ से आती है, वो आती है डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस से, कि बच्चे जब खुद एक्सपीरियंस करके कोई चीज सीखते हैं तो उनकी रिटेंशन पावर सबसे ज्यादा बढ़ती है, उन्हें वो चीज पूरी लाइफ के लिए उन्हें याद रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका कॉन क्या था। तो इन्हें बताया कि जब सिर्फ रीडिंग करते हैं तो रिटेंशन होता है 10%, जब कोई चीज सुनते हैं तब रिटेंशन होता है 20%, जब इमेज देखते हैं या वीडियो देखते हैं तब होता है रिटेंशन 30%। ये वीडियो मतलब जिसमें आवाज ना हो भी। ठीक है, अगला क्या है कि कोई डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं, या आप किसी साइट पे जाते हैं या एग्जीबिशन देखते हैं, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे और सुन भी रहे हैं, ठीक है, तो आपका रिटेंशन होगा 50%। और जब आप कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं या कोई टॉक देते हैं तब आपका रिटेंशन होता है 70%। मतलब जब आप कोई चीज कहते हैं और लिखते हैं तो रिटेंशन होगा 70%। ठीक है, और 90% या सबसे ज्यादा रिटेंशन होता है जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, या कोई मेथड है, कोई प्रैक्टिकल है, जब उसको रियल में करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो उस चीज का, या कोई एक्टिविटी करते हो, तब रिटेंशन होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, 90%। तो इसीलिए क्या है, जो एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग है इसको स्कूल्स में बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो रिटेंशन पावर है, जो सीखने की कला है, जो बच्चों का सीखना है, वो बढ़ सके और वो चीज बच्चों को पूरी जिंदगी याद रहे। जो ऊपर वाले मेथड है वो क्या है, पैसिव लर्निंग है। इसमें क्या है, पैसिव लर्निंग है, आप बिल्कुल बैठे हैं, आपके मन में बात डाली जा रही है। और ये मेथड क्या है, ये है एक्टिव लर्निंग। इसमें आप खुद काम कर रहे हो, और आप जब आप खुद काम करोगे तो वो चीज क्या है आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, बहुत इजी है। सबसे ऊपर रीडिंग है, रीडिंग को इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो रिटेंशन कम है, देन धीरे धीरे बढ़ गया है, नीचे ट्रायंगल का बेस ज्यादा है तो इसका मतलब रिटेंशन सबसे ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले है रीडिंग, हियरिंग, जब आप पिक्चर देखते हो, कोई वीडियो देखते हो बिना आवाज की, देन आता है कोई साइट या एग्जीबिशन अटेंड किया, डेमोंस्ट्रेशन है, उसमें क्या होगा, आप देखोगे भी और सुनोगे भी। नेक्स्ट है वर्कशॉप या गिविंग टॉक, तब है इसमें क्या है, कोई चीज आप बोलोगे और लिखोगे। देन आता है कोई प्रेजेंटेशन देना, कोई रियल एक्सपीरियंस करना, कोई रियल थिंक करना, तब होगा सबसे ज्यादा रिटेंशन। ठीक है, चलो इसमें इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने इन पेपर से पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको वीडियो में, आप जाके वहां से देख सकते हो और अच्छे से उसके बारे में पढ़ सकते हो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। चलिए टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।